अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपको ले चलता हूँ रुझान मज़ारी, जो मज़ारियों के नाम से बहुत ज़्यादा मशहूर है। ये राजनपुर से तकरीबन 100 किलोमीटर तक दूर हो जाता है और हमारे मुरगाई शहर से 60 किलोमीटर तक की दूरी पर है। तो सोचा आज आपको रुझान की सैर भी करवाते चलें। रुझान मज़ार ये दृश्य के नाम से बहुत ज़्यादा मशहूर है। यहाँ ये कोई ख़ास बड़ा शहर नहीं है, यहाँ पे कोई देहाती वगैरह टाइप माहौल है। तो ये देखें, ये है रुझान का दरवाज़ा, मेन गेट रुझान, यहाँ पे इंटर हो जाते हैं रुझान, बाकी 3 किलोमीटर दूर रहता है यहाँ से। चलें जी, आपको अब रुझान की सैर करवाते हैं। तो वेलकम बैक गाइस, चलें। ये रुझान से 2 किलोमीटर की दूरी पर गवर्नमेंट बिल्डिंग्स खड़ी हैं। ये रेस्क्यू 112 की बिल्डिंग्स हैं, आप देख सकते हैं ये रुझान में है। और आपको जो कि मैं रुझान आया हूँ, तो चलें आपको क्योंकि एसी ऑफिस की सैरी करा दें। हम एसी ऑफिस में कुछ काम आए थे, तो चलें जी अब एसी ऑफिस में अपना काम भी करते हैं और आपको एक एसी ऑफिस मतलब असिस्टेंट कमिश्नर का ऑफिस का जायज़ा भी दिखा देते हैं। तो चलें जी, हम चलते हैं अब अंदर की तरफ। ये तख्ती लगी हुई है एसी ऑफिस की, तो चलें अब इसका एक जायज़ा भी ले लेते हैं। ये हमारे साथ एक साथी आए थे, वो उन्होंने थोड़ा रास्ता वगैरह दिखाया। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, ठीक हो? तो चलें जी, चलते हैं अब अंदर की तरफ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कोई ख़ास सफाई सुथराई का माहौल नहीं है। तो राजनपुर जो एसी ऑफिस है वो बहुत ही है इंतहाई खूबसूरत और साफ़ सुथरा है, लेकिन यहाँ के उसमें कोई सफाई सुथरा माहौल नहीं है। आप यहाँ का रूम वगैरह देख सकते हैं, ये देखें यहाँ पे शायद जो कि एसी ऑफिस खुद बैठते हैं एसी साहब, तो शायद साफ़ ज़रा ये रूम तो साफ़ रखना ही था इन्होंने। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसकी इनकी दीवारों को देख सकते हैं, ये देखें अजीब। पहली बार हैरान हुआ मैं इस एसी ऑफिस को देख के, कोई सफाई का माहौल ही नहीं है। ये देखें पीछे पानी ऐसे बह रहा है, मैं आपको दिखा देता हूँ इस वीडियो में, ये देखें। और यहाँ का आपको वॉशरूम दिखाता हूँ मैं, कोई ये क्वार्टर है शायद, देखें अजीब ही माहौल है यहाँ का। ये एसी ऑफिस का भी दफ्तर है, आप देख सकते हैं। चलो आपको एक बाहर से भी नज़ारा दिखा देते हैं, ये देखें। चलें जी, जो कि आपने एसी ऑफिस वगैरह 1122 की बिल्डिंग तो देख ली, चलें अब चलते हैं रुझान शहर की तरफ। Thank you.
लो जी क्या याद करोगे, हम रुझान के शहर में भी पहुंच गए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ की रौनक, यहाँ का माहौल, यहाँ की सड़कें। यहाँ पर कोई ख़ास किस्म का सफाई सुथराई का माहौल नहीं है, सड़कें वैसे ही टूटी फूटी जैसे होती हैं अक्सर। जो राजनपुर में बहुत ही ज़्यादा सफाई सुथराई का माहौल रखा जाता है, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सड़कें वगैरह टेढ़ी हैं तो थोड़े कैमरे पकड़ने में मुश्किल हो रही है। तो चले जी, आप खुद देख सकते हैं यहाँ का माहौल, यहाँ की रौनक, यहाँ का बाज़ार, यहाँ मज़ारी वगैरह, बलोच, दरीशक, ये कुछ ज़्यादा ही बसते हैं यहाँ पे। ये जो मेन चौक आ रहा है इसको कहते हैं रुझान चौक। ये जहाँ भी आप जिस शहर में भी चले जाओ ना, आपको ये चौक मशहूर होगा, रुझान चौक। ये रुझान चौक है भाई, आप यहाँ के देख सकते हैं ये यहाँ की रौनक वगैरह, यहाँ का शोर। चलिए जी, हम आपको इस तरफ का ज़्यादा दिखा देते हैं। ये देखें, एक जैसे बड़े शहर में होता है ना, कोई बहुत ज़्यादा रश वगैरह, बहुत ज़्यादा रौनक, ये मेन शहर है बस। बाकी ये तकरीबन 1 किलोमीटर और 1.5 किलोमीटर के फासले पे हैं शहर। आप यहाँ भी देख सकते हैं इसकी बिल्डिंग्स वगैरह, दृश्य। चलिए जी, हम किसी होटल का पूछ लेते हैं। होटल चाय पीनी है भाई, होटल की तरह होटल, अच्छे वाला होटल है। चलें जी, अब होटल, चूँकि गर्मी तो बहुत है, चलें जी अब चाय भी पी लेते हैं। लेकिन थकान की वजह से थोड़ी चाय थकान को ज़्यादा कम कर देती है। चलें जी, अब होटल की तरफ चलते हैं अपने। लो जी, होटल करीब ही खड़ा था, होटल पे आ गए हैं। चलें जी, आपको यहाँ की एक दूर से आपको ज़्यादा दिखाते हैं। ये देखें, वहाँ खुद तक जाके रौनक ख़त्म हो जाती है, आप यहाँ भी इसकी रौनक देख सकते हैं। चले जी, हम इतना चाय पी लें और उसके बाद आपको वापसी का रास्ता भी दिखाएंगे। चलो जी, चाय तो पी ली अब हमने, बाकी अब हम वापसी का रास्ता नापते हैं। चूँकि आप रुझान देख लिया होगा, रुझान की सड़कें भी देख ली होगी, रुझान का रौनक भी देख ली होगी, तो अब उम्मीद है आपको ये वीडियो तो पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ताकि हम आपको इसी तरह की और वीडियोस से लुत्फ़अंदोज़ हो सकें, लुत्फ़अंदोज़ करा सकें। आपको जिस शहर का पता नहीं है, हम उस शहर के बारे में भी आपको दिखा देंगे इंशाल्लाह। हमारा जहाँ जहाँ विज़िट होगा, जहाँ जहाँ हमारा चक्कर लगेगा कहीं कहीं पे, तो हम वहाँ का चक्कर ज़रूर लगाएंगे, वहाँ का व्लॉग भी ज़रूर बनाएंगे। आप लोगों की सपोर्ट चाहिए और आप लोगों का साथ भी चाहिए, ताकि हम इंशाल्लाह अपने वीडियोस में कामयाब हो सकें। तो हम वापस उसी सड़क पर से जा रहे हैं, क्योंकि बाकी आगे ख़ास कोई शहर वगैरह नहीं था। तो चलिए जी, अपना बहुत बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अब हमें इजाज़त दें।